नमस्कार दोस्तों, पहला दिन जैसा आज भी मैं और एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। ये जॉब नोटिफिकेशन आया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन का गुवाहाटी से। तो इस वीडियो पे मैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा, जो ईस्ट, सारे डिटेल्स में इस वीडियो पे आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। कितना वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, सारे डिटेल्स में इस वीडियो पे दिखाऊंगा। और पर मंथ सैलरी क्या है ये भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कोई भी फ्रेंड्स अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके और वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पंचदीप बवन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, बामुनी मैदान, गुवाहाटी 781021। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इन ESI कॉरपोरेशन। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा, ओके, स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क। और यहाँ पर जो अप्लाई होगा, ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने होगा। और यह है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके भी देख सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, फिलिंग अप पोस्ट, ये यहाँ पर जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा, रेगुलर बेसिस होगा, ठीक है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ESIC। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट वो है स्टेनोग्राफर, UR के लिए वन वैकेंसी है, ठीक है, और टोटल भी वन है, और PWD भी नहीं है, एक सर्विसमैन के लिए भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो UR वैकेंसी है 8, SC के लिए 5, ST के लिए 1, और OBC के लिए 9 वैकेंसी है, और EWS के लिए 2 वैकेंसी है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 25, और एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, स्केल ऑफ पे है, पर मंथ सैलरी क्या है, ठीक है, स्टेनोग्राफर और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो पेमेंट होगा 7 सेंट्रल पे कमीशन, और फॉर द पोस्ट लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉयज, ओके। और यहाँ पर विथ एंट्री पे है 25,500 है। यहाँ पर देखिए, रिप्लेस्ड अगेंस्ट पे वेंट रेस 5,200 टू 20,200, विथ ग्रेड पे है रेस 2,400, ओके, ये है 6 सेंट्रल पे कमीशन, ओके। उसके बाद दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी पास, ओके, 12 पास होने पड़ेगा। उसके बाद 80 वर्ड पर मिनट टाइप करने होगा, ओके, एंड स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश और हिंदी यानी वन से, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नॉलेज से कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट, ओके, बिटवीन 18 to 17 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। क्लोजिंग डेट 15 अप्रैल 2019 है, ओके, ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए लास्ट डेट। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, एस के लिए और SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर PES के लिए भी है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15 अप्रैल 2019 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है।
लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2019, उसके पहले कर लेना ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद और एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर है ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क इन ESIC, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पेमेंट ऑफ फी, ओके, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी, SC ST PWD, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 250 रुपीज़, और ये भी रिफंडेबल है जब फेस वन राइट एंड एग्ज़ाम अपेयर कर रहे तो 250 रुपीज़ आप रिफंड हो जाएगा आपके आप अपने अकाउंट पे। और उसके बाद ऑल अदर्स कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़। तो दोस्तों आज के लिए विदित इतना ही। अगर आप लोग इस पोस्ट पे इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करना, और इस वीडियो को आप लोग पसंद किया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को बजा देना, क्योंकि और जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल जाए।